वो लाखों में एक है। ही इज वन इन अ मिलियन। मुझसे तू तू मैं ना करू। डोंट बिकर विथ मी। उसका आजकल हाथ तंग है। ही इज हार्ड अप नाउ अ डेज। उसका भांडा मत फोड़ो। डोंट प्रिक हिज बबल। तुम बातें नहीं हो। यू आर आर चैटर बॉक्स, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर आर टॉकेटिव। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। यू हैव स्पोकन ऑफ माई हार्ट। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिजी, या तो आई एम गिडी। मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। काउंट मी इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, या तो एड मी इन योर फ्रेंड्स ग्रुप। बच्चे को थप्पड़ मत मारो, या तो बच्चे को थप्पड़ मत मारा करो। डोंट स्मैक अ चाइल्ड, या तो डोंट स्लैप अ चाइल्ड। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है। इट्स नो स्वेट फॉर मी, या तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, या तो इट इज नॉट अ मैटर फॉर मी। वो खड़ी बात करता है, या तो वो दो टोक बात करता है। ही इज आउट स्पोकन। अच्छा, इस सेंटेंस में हमने आउट स्पोकन यूज किया एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर आपको इसे बोलना हो, वो दो टोक बात कर रहा है या वो खड़ी बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज स्पीकिंग आउट स्पोकनली। इस सेंटेंस में हमने आउट स्पोकन के साथ ly एड करके इसको एज अ एडवर्ब यूज किया, ठीक है। और अगर आपको ऐसे बोलना हो, तुम्हारी तो दो टोक बात का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ योर आउट स्पोकननेस। इस सेंटेंस में हमने आउट स्पोकन के बाद NESS यूज करके इसको एज अ नाउन यूज किया, ठीक है। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है। आई कार्व्ड माई वे, या तो आई मेड माई ओन वे। अल्लाह करे आपका साया हमेशा कायम रहे। मे योर शेडो नेवर बी लेस। वो मासूम है। He is clean handed, या तो he is innocent। रिश्वत मत दो। Don't give hush money, या तो don't give bribe। मेरी दूर की नजर कमजोर है। I am near sighted। तुम बड़े कामचोर हो। You are very easy going, या तो यू आर वेरी लेजी बोन्स। इस काम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। दिस इज अ ब्लाइंड एली जॉब, या तो देयर इज नो फ्यूचर इन दिस जॉब। मेरी बात मत काटो। प्लीज डोंट कट मी शॉर्ट। अब आपकी बारी है। आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।